हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडजी एग्जाम, ए प्लेस वेयर वी प्रीफर स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। आज का जो अपन का टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक का सेकंड पार्ट है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इससे बता चुका हूँ कि मिनिमम कितने क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम ये दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम तीन भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इससे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो सारे क्या करेंगे, सबको कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो सिक्स क्वेश्चन है वो क्या है, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या बताना है आपको, करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, फेनॉल देख रहे हो, ठीक है, फेनॉल है और एसिड्स है, ठीक है। यहाँ पर फेनॉल है, एसिड्स है, आपको कंपेयर करके ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं किसका ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, तो सल्फोनिक एसिड का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। किसका होता है, सल्फोनिक एसिड का, ठीक है। जो सल्फोनिक एसिड होते हैं SO3H, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद होती है कार्बोऑक्सिलिक एसिड की, ठीक है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड की होती है। उसके बाद किसकी हो जाएगी, कार्बोनिक एसिड की होती है, यानी H2CO3 की होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फेनॉल होता है, ठीक है, क्या हो जाता है, फेनॉल्स हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं, अल्कोहल्स हो जाते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स हो जाते हैं। अल्कोहल्स के बाद क्या हो जाते हैं, एल्काइन्स हो जाते हैं, वो भी टर्मिनल एल्काइन्स। क्या हो जाते हैं, टर्मिनल एल्काइन्स, दैट मीन्स सी ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या हो गया, टर्मिनल एल्काइन्स जो रहेंगे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये क्या होता है, ये एक जनरल ऑर्डर है, ठीक है। आपको क्या होगा, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब देखो, मान लो कि यहाँ पर दो अल्कोहल है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल्स है। एक ये जो सेकंड अल्कोहल, इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बन गया, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड में क्या हो गया, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ये भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, माइनस आई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। जो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और जो प्लस आई इफेक्ट होते हैं, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट जो शो करते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है, वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये जो प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो जो CH3 है ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये जो आपका CH3 है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट मीन्स ये क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे। तो इन दिस केस, इन दोनों का कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, थर्ड जो होगा, यानी ये जो बेंजोइक एसिड होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब केस आता है फेनॉल का, फेनॉल का केस में क्या हो जाता है, इन दोनों में क्लियर हो गया, ठीक है, एसिड्स के केस में। अब फेनॉल्स में आते हैं, तो ये जो क्लोरीन ग्रुप है, ये क्या करता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन क्या होता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप में आ जाते हैं, क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इन दोनों के बीच में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो सिंपल फेनॉल है और जो सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल है, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इस फेनॉल की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो गया, अब ये आपको टोटल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा वो किसका हो जाएगा, थर्ड नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद फोर्थ नंबर हो जाएगा, ठीक है, थ्री यानी थ्री फोर, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फेनॉल हो जाएगा, क्लियर है। तो यानी ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, ए इज़ द राइट आंसर, क्लियर है। तो आपको ये चीज़, आपको ये जो है ना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का जो कंपेरिजन किया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, काफ़ी जगह पर यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में है, तो इसमें क्या था, जेलडाल्स मेथड और ड्यूमास मेथड है, दोनों को आज क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये जेलडाल्स मेथड से है, ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, उसी से मैंने निकला हुआ है। तो यहाँ पर से देखो, जेलडाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन,
प्रेजेंट इन सॉइल सैंपल एमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.075 ग्राम सैंपल न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। ये क्वेश्चन है, द परसेंटेज नाइट्रोजन इन द सॉइल इज। तो जेलडॉल्स मेथड और ड्यूमास मेथड में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक पेज है, इसमें क्लियर करते हैं। तो जो अपन का जो जेलडॉल्स मेथड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो ये क्या हो जाता है, जेलडॉल्स मेथड है, ठीक है। जेलडॉल्स ये क्या हो जाता है, जेलडॉल्स मेथड है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपन। जेलडॉल्स मेथड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, देखो जेलडॉल्स मेथड में क्या हो जाता है, ये क्या होता है, इसका जेलडॉल्स मेथड और ड्यूमास मेथड में क्या डिफरेंस है। तो जेलडॉल्स मेथड जो होता है ये क्या होता है, ये एप्लीकेबल, ये सर्टेन जो कंडीशन है ये फॉलो नहीं करता है। किस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, जो ड्यूमास मेथड होता है वो क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसके एस्टिमेशन में यूज़ हो जाता है, वो सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जेलडॉल्स मेथड में कुछ एक्सेप्शन है जो कि ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट किसके लिए नॉट एप्लीकेबल फॉर, ये किसके लिए है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, जिसमें फर्स्ट नॉट एप्लीकेबल टू, किसमें फर्स्ट में देख लेते हैं, फर्स्ट में क्या है, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन रिंग, ठीक है, यानी कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन द रिंग, यानी नाइट्रोजन अगर रिंग में प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा, ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन द रिंग, यानी एग्जांपल अगर आप इसका लोगे तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल इसमें क्या हो जाता है, इसमें पायरिडीन हो सकता है, ठीक है, पायरिडीन हो जाएगा। तो पायरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है ऐसा करके होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है और ये क्या हो जाता है ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो नाइट्रोजन है ये रिंग में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, इसके लिए जेलडॉल्स मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड जो कंडीशन होता है जिसके में ये एप्लीकेबल नहीं है, वो क्या होता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, यानी कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप एंड एजो ग्रुप्स। अगर कोई ऐसे कंपाउंड्स है जिसमें नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रो ग्रुप है, यानी NO2 के फॉर्म में है, ठीक है, और एजो के फॉर्म में है, एजो का फॉर्म होता है, ठीक है, एजो का कैसा होता है, यानी N डबल बॉन्ड N के फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, जेलडॉल्स मेथड यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये दो सिचुएशन है जिसमें कि जेलडॉल्स मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, यहाँ पर आप जेलडॉल्स मेथड को यूज़ नहीं कर सकते फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं जेलडॉल्स मेथड में होता क्या है, ठीक है। तो पहले से डिलीट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो अब समझना एक्चुअली जेलडॉल्स मेथड में होता क्या है। तो जेलडॉल्स मेथड का जो होता है उसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को लेते हो, ठीक है, उसे क्या करते हो, ये पूरा एक प्रोसेस चलता है, ठीक है, प्रोसेस समझाता हूँ मैं। तो इसमें क्या करते हो, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो आप नॉन कंपाउंड है, जिसका आपने वेट किया हुआ, नॉन वेट है, ठीक है, वो आपके पास है, आपने उसे ट्रीट किया किससे, कॉन्क H2SO4 से ट्रीट करते हो, किससे करते हो, कॉन्क H2SO4 से, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, आपका अमोनियम सल्फेट बन जाता है, क्या बन जाता है, ये अमोनियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है, समझना इसको, जहाँ पर मैंने क्या करा है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला गलत हो गया यार, ये क्या हो जाता है, अमोनियम सल्फेट हो जाता है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट को फर्दर हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं किससे, एक्सेस ऑफ NOH से ट्रीट करते हैं, किससे करते हैं, एक्सेस ऑफ NOH से ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ NOH से ट्रीट करते हैं, एक्सेस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया गैस रिलीज होता है, ठीक है, क्या होता है, अमोनिया गैस रिलीज होता है। इस गैस को क्या करते हैं, ये अमोनिया जो है इसे हम पास करते हैं, ठीक है, विथ एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4 या HCl, ठीक है, यहाँ पर इसे हम इसे ट्रीट करते हैं, फर्दर ट्रीट करते हैं किससे करते हैं, ठीक है, इस अमोनिया को ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ HCl और H2SO4, ठीक है, यह दोनों क्या होना चाहिए, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर से आपको एक बात पता होना चाहिए, फिर इसको फर्दर क्या करते हैं, मान लो कि अब ये क्या हो गया, कुछ जो एक्सेस ऑफ H2SO4 बच गया, ठीक है, सर्टेन H2SO4 कुछ अमाउंट जो है H2SO4 का बच गया, उसे फर्दर क्या करते हैं हम, ठीक है, जो H2SO4 जो फर्दर बच जाता है, ठीक है, उसे हम फर्दर ट्रीट कर देते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो हमने क्या करा, इसे जो H2SO4 जो बचा हुआ था, ठीक है, कौन बचा हुआ था, एसिड अनयूज्ड,
अनयूज्ड एसिड, जो लेफ्टओवर एसिड था वो उसको हमने किसके साथ ट्रीट कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, और ये क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट बन जाता है, Na2SO4 प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो अब समझना यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका स्टेप होता है। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो नॉन अमाउंट है उसे हमने क्या करा, कॉन्क SO4 के साथ रिएक्ट करा दिया, अमोनियम सल्फेट बना। अमोनियम सल्फेट को हमने क्या करा, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, उससे क्या हो गया, अमोनिया रिलीज हो गया। अमोनिया को हमने क्या करा, पास कराया किस पे, एक्सेस ऑफ H2SO4 या HCl पे। ठीक है, और जो इसके बाद कुछ जो एसिड बच जाता है, ठीक है, जो H2SO4 या HCl एसिड बच जाता है उसे हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर देते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना आपको क्या होता है। ठीक है, अब देखो, मान लो कि ये जो ट्रीट होता है, ये आपका यहाँ पर जो इस रिएक्शन को, ठीक है, अमोनिया का जो ट्रीटेड विथ एसिड, ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है, ये जो अमोनिया को आप ट्रीट करते हो एक्सेस ऑफ एसिड का, तो इसका एक रिएक्शन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, रिएक्शन 2NH3 प्लस H2SO4, और ये क्या बन जाता है, अमोनियम सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, एक ये रिएक्शन हो गया आपका, यानी यहाँ पर एक ये रिएक्शन हो गया, एक ये रिएक्शन हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखना है। इस दो रिएक्शन का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। अब देखो, अब आपने क्या करा, मान लो कि इस एक्सेस ऑफ H2SO4, यहाँ पर जो एक्सेस ऑफ H2SO4 लिया, इसको कितना लिया, ये वॉल्यूम लिया VML। ठीक है, ये जो एक्सेस ऑफ H2SO4 ले रहे थे, ये कितना ले रहे थे, VML ले रहे थे। ठीक है, यानी इसका जो क्वांटिटी है ये कितना, VML। क्लियर है, ये आपने इसका वॉल्यूम लिया था VML करके। ठीक है, तो अब यहाँ से बताओ कि ये जो बच गया, जो इसके साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, और यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने लिया था, कितना लिया था, इसे हम V1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिया था, VML लिया था, ये कितना हो गया, V1ML ले लिया था। तो इस रिएक्शन में H2SO4 फर्दर कितना कंज्यूम हुआ, अगर ये V1ML यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर H2SO4 कितना हो रहा है, V1/2ML यूज़ हो रहा है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो अमोनिया के साथ जो रिएक्शन हुआ था वो कितना हुआ था। तो अमोनिया के साथ, ये जो अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो बचा हुआ था, ठीक है, V-V1/2, यही बचा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, V1V-V1/2, इतनी ही बचा हुआ, यही तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। ये जो आपका V1V1/2 है, ये किसके साथ, V के साथ रिएक्ट कराता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका V1ML किसका हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, और ये जो आपका H2SO4 के टर्म्स में अगर लेंगे तो V1/2ML ये क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा। तो जो अमोनिया के साथ इस रिएक्शन में जो यूज़ होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो गया, ये जो है V-V1/2, इतना ML जो है ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है H2SO4, यानी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने में। तो अमोनिया का कितना हो जाएगा, अगर ये V-V1/2 है तो अमोनिया का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, यानी अगर इसका ट्वाइस करोगे, ठीक है, इस वॉल्यूम को अगर ट्वाइस कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अमोनिया उतना रिएक्ट करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करा, मोलारिटी को इक्वल करके निकाला हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा, देखो आपने क्या करा, एक्सेस ऑफ H2SO4 लिया, दैट इज़ VML लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिया, VML लिया, तो आपने अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्ट कराया वो कितना, जो लेफ्ट ओवर था, अनयूज था, उसी को रिएक्ट कराया, यानी V-V1/2 इसी को रिएक्ट कराया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा H2SO4, ये H2SO4 की क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, H2SO4 की क्वांटिटी है, और ये क्वांटिटी क्या हुआ, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया आपने। ठीक है, तो अमोनिया का कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ, यानी ट्वाइस हुआ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो अमोनिया के साथ जो रिएक्ट हुआ है वो कितना हो जाएगा, अमोनिया के टर्म्स में अगर लोगे तो अमोनिया कितना रिएक्ट कर रहा है, तो यानी 2 × V-V1/2। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये सिंपल सा था, समझना इस चीज़ को। आपने जो एक्सेस ऑफ एसिड लिया हुआ था, कितना लिया था, VML लिया हुआ था H2SO4। ठीक है, उसे फिर जो अनयूज हुआ, उससे पहले अमोनिया पे पास कराया, तो कुछ बचा होगा, जो अनयूज एसिड था, ठीक है, उसे हमने क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपन को क्या वॉल्यूम पता है, यानी V1ML हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, गिवन है। ठीक है, तो इसके टर्म्स में H2SO4 कितना रिएक्ट करेगा, अगर ये 2 लीटर कर रहा है तो ये कितना करेगा, 1 लीटर करेगा, तो हमने क्या करा, इसे हाफ कर दिया। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम क्या कर दिया, हाफ कर दिया। क्लियर है यहाँ से, अब इस वॉल्यूम को हमने क्या करा, यही वॉल्यूम क्या करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, यही तो वॉल्यूम बचा हुआ था एसिड का, जो कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, और ये क्या हुआ, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा, तो अमोनिया के साथ H2SO4 जो रिएक्ट करने वाला था वो कितना था, V-V1/2 था, यही था वॉल्यूम,
और एमोनिया का कितना रिएक्शन होगा, कितने वॉल्यूम का, यानी ट्वाइस हो जाएगा, यानी ट्वाइस जो इसका वॉल्यूम है वो रिएक्ट करेगा न्यूट्रलाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसका रिएक्शन जो हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ठीक है, यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन, यूज्ड फॉर, ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन है, वॉल्यूम यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर है। यहाँ पर एस भी ले सकते हो, जेड भी लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH3, यही वॉल्यूम जो है न्यूट्रलाइजेशन हुआ किसके लिए, NH3 के लिए, यानी कितना हो जाएगा ये V-V1/2, ठीक है। ये V किसका है, V जो है ये H2SO4 का वॉल्यूम है, ठीक है। और जो V1 है वो किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है, वहाँ पर गिवन था। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, ये आपका, तो इस फंडा को याद रखना, ये जो एमोनिया कितना रिएक्ट करना है, ट्वाइस इंटू V-V1/2, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से डिराइव करके आया कि कितना वॉल्यूम एमोनिया का रिएक्ट करेगा, यानी 2 × V-V1/2, ये V जो है ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये V1 कितना हो गया, ये हो गया NOH का, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम गिवन रहता है। तो इस केस में एमोनिया का कितना हो जाएगा, 2 × V-V1/2 हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर ये डाटा जो निकल के आया, इससे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसी का यूज़ करके फर्दर क्या करेंगे, इसको डिराइव किया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये किसका वॉल्यूम हो गया, NH3 का वॉल्यूम हो गया। तो इतना वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर NH3 रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आपको पता होना चाहिए वहाँ पर कितना एमोनिया का कितना वॉल्यूम लिया हुआ था हमने, NH3 का जो वॉल्यूम था वो कितना था, 2 × V-V1/2, तो ये चीज़ हमारा निकल गया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करते हैं, समझना, ठीक है। जब आप 1000 ml ऑफ 1 molar NH3 सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, 1 molar NH3 सॉल्यूशन लेते हो, NH3 लेते हो सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसमें कितना होता है, 17 ग्राम्स एमोनिया होता है, कितना होता है, 17 ग्राम्स एमोनिया होता है, ठीक है। और आप बोल सकते हो इसे क्या, 14 ग्राम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, 14 ग्राम क्या हो जाता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। जब आपने 100 ml ऑफ 1 molar NH3 सॉल्यूशन लिया, तो उस केस में कितना होता है, 17 ग्राम एमोनिया होता है और 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है, ठीक है। जब आपने एमोनिया का वॉल्यूम कितना ले लिया, एमोनिया का जब वॉल्यूम ले रहे हो कितना, 2V-V/1, ठीक है, V1/2 लेते हो, तो इतना जब ml लोगे, तो इस केस में एमोनिया सॉल्यूशन के पास कितना ग्राम हो जाएगा, तो ये अपन को फाइंड आउट करना होगा, यानी 14 × M × 2, ठीक है, 2V-V1/2/100/1000 ग्राम्स, यही ग्राम से निकलेगा। अगर आप 1000 ml लेते हो, 1 molar नाइट्रोजन NH3 सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, जब 1000 ml ऑफ 1 molar NH3 सॉल्यूशन लेते हो, तो 17 ग्राम एमोनिया निकलता है। जब इतना, यानी 2 × V-V1/2 ml लोगे एमोनिया का सॉल्यूशन, तो इसमें कितना होगा, यूनिटी मेथड लगा के अपन निकाल लेंगे, ठीक है, यानी 14 ग्राम्स नाइट्रोजन के टर्म्स में निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, ये नाइट्रोजन ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज अगर नाइट्रोजन निकालना है, तो इसी को क्या करोगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और वेट से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, जो वेट ऑफ कंपाउंड है उसे डिवाइड कर दोगे, यानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर आपको निकालना है, तो ये क्या करोगे, 14 × M × 2 V-V1/2/1000 था, इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना इन दैट कंपाउंड, तो ये वेट ऑफ कंपाउंड, जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लिया था, उसका ये वेट है, वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे आपका निकल जाएगा, क्लियर है। आप इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1.4 × M × 2 × V-V1/2/weight of compound, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कंपाउंड हो जाएगा। अगर आप इससे क्या निकालो, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में निकालोगे, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के टर्म्स में ये क्या हो जाएगा, 1.4 × नॉर्मेलिटी × V-V1/2
वी वन बाई टू हो जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, वेट ऑफ कंपाउंड हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो v माइनस वी वन बाई टू है ये क्या है, ये एसिड का वॉल्यूम है। ये क्या हो गया आपका, एसिड का वॉल्यूम हो गया न्यूट्रलाइजेशन में जो यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर लगा देंगे इन जेल्डाल्स मेथड। देखते हैं अब यहाँ पर डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। जेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल सैंपल, एमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल, यानी 0.75 ग्राम क्या दिया हुआ, कंपाउंड का वेट दिया हुआ। ये अपन को एक डाटा मिल गया जो कि वेट ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 molar HTSO4, ये क्या दे दिया आपको, 10 molar यानी वॉल्यूम दे दिया। ठीक है, वॉल्यूम कितना आ गया अपन का, 10 ml आ गया। ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया 1 molar HTSO4। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो द परसेंटेज नाइट्रोजन, यानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए 1.4 × 1 × 2 ×, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा था, ये क्या था आपका 10 था, 10 क्यों है, यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। अपॉन क्या करना था हमें, वेट ऑफ कंपाउंड लेना है, यानी 0.75। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ से सिंपल सा। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे इसे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 37.33% आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करा हमने, ये फॉर्मूला पे सिंपली से ऐड कर दिया। फॉर्मूला यहाँ पर क्या था देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 × ठीक है मोलारिटी है, इंटू टॉइस है, और ये क्या था वी माइनस वी वन अपॉन टू, यानी यही तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसे न्यूट्रलाइज करने में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना न्यूट्रलाइजेशन में लगा, 10 ml लगा, तो 10 ml का वैल्यू यहाँ पर पुट करा हुआ था और यहाँ पर हमने क्या करा, वेट ऑफ कंपाउंड लिख दिया। ठीक है, इसी पे हमने क्या करा, इसी पे ये सारा डाटा बैठा दिया और आपका आंसर ये आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पर ये क्या था, जेल्डाल्स मेथड का एक रफ आइडिया दे दिया मैंने। देखो यार कुछ नहीं है, वहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, केवल ये जो अमोनिया का जो वॉल्यूम होता है, कितना अमोनिया न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, अमोनिया को न्यूट्रलाइज, अमोनिया का कितना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन में। ठीक है, तो वहाँ से ये क्या करोगे आप, निकाल लोगे, तो वो निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वही है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या हो जाता है, ये वॉल्यूम ऑफ एसिड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर से अगर टू आप इंक्लूड नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड हो जाएगा। हमने वहाँ पर देखा था ये पूरा का पूरा अमोनिया है, लेकिन अगर ये पोर्शन लोगे तो ये क्या था, H2SO4 का वॉल्यूम था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एसिड। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था इसमें। ठीक है, आप क्या करोगे, एक दो क्वेश्चन बनाना, आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, यहाँ पर आपका निकल गया, ये एक्चुअली क्या है, ये पूरा का पूरा अमोनिया का है, ये पूरा अमोनिया का वॉल्यूम है, ये क्या है, पूरा अमोनिया का वॉल्यूम है, NH3 का वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप केवल वी लेते हो, केवल इस पॉइंट को लेते हो, इस पॉइंट को अगर केवल आप लेते हो तो ये क्या है, एसिड का वॉल्यूम है। तो इस चीज़ को याद रखना यहाँ से, एसिड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एसिड या एसिड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर से ये क्लियर हो गया, ये क्या है, ये अगर टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा ये अमोनिया का वॉल्यूम निकल जाएगा, और वी माइनस वी वन बाई टू करोगे तो ये अपन को पता होना चाहिए ये क्या हो गया। और यहाँ पर देखो अमोनिया का वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, 2 × V − V1/2 था। ठीक है, और यहाँ पर एसिड का जो वॉल्यूम हो जाता है उसे भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एसिड वॉल्यूम। ठीक है, ये कितना हो जाता था, V − V1/2। क्लियर है, यहाँ से आपका निकल जाएगा, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, डुमास मेथड है। तो डुमास मेथड के साथ क्या है, ये एप्लीकेबल है सबके लिए। ठीक है, ये कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए एप्लीकेबल है ये। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, एप्लीकेबल डुमास मेथड। ठीक है, ये डुमास मेथड है एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है यार, इसमें भी एक सिंपल सा बता देता हूँ मैं, रफ आइडिया आपको देता हूँ मैं, रफ आइडिया क्या आपका पूरा डिराइवेशन हो जाता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, एक नॉन वेट लिया जाता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। ड्यूमास मेथड में क्या होता है, ड्यूमास मेथड, ठीक है, समझना, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं समझ जाओगे। तो इसमें क्या होता है, देखो पहले इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या करोगे आप, नॉन वेट लोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। आपने क्या करा, एक नॉन वेट लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसे क्या करा, उसे रिएक्ट कराया, ऑक्सीडाइज करवाया किससे, विथ एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो जो आपका उसमें प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जो सी होगा, ठीक है, सी ऑक्सीडाइज कर जाएगा कॉपर ऑक्साइड के साथ, क्या फॉर्म कर जाएगा, CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो होगा ये क्या होगा, हाइड्रोजन जो गैस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन जो होगा इसमें वो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडाइज होगा और वो क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, यानी वाटर के फॉर्म में वो रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, स्टीम के फॉर्म में। अब जो नाइट्रोजन बन जाता है, ठीक है, जो नाइट्रोजन हो जाते हैं, नाइट्रोजन को अगर आप रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, नाइट्रोजन प्लस कॉपर ऑक्साइड अगर दोगे आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगा और कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, ये कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस का यहाँ पर लिबरेशन हो जाता है। इसी नाइट्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है, ये नाइट्रोजन गैस जो होता है ये क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है, क्लियर है। इसी नाइट्रोजन गैस को क्या करेंगे, अपन मेजर कर लेंगे जो स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे किया जाता है, नाइट्रोजन गैस अपने के पास ऑप्टेंड हो गया, अब नाइट्रोजन गैस के साथ वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, दो कंडीशन लेते हैं, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, एसटीपी कंडीशन, ठीक है। तो एसटीपी कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, सबका रिलेशन निकालते हैं, यानी प्रेशर जो रहता है, ठीक है, उसे P1 मानते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। तो वो जो प्रेशर आपका ऑब्टेंड होता है वो प्रेशर P होता है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, वो ओवर वाटर या ओवर क्या करते हैं उसको, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, ओवर वाटर निकालते हैं, तो वहाँ पर से एक्वस टेंशन से माइनस करते हैं तब प्रेशर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर से प्रेशर जो हो जाता है ये P0 मान लेते हैं और इसका एक्वस टेंशन, ठीक है, जो एक्वस टेंशन आपका दिया रहता है उसको अगर माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाता है, प्रेशर निकल जाता है, ठीक है। ये आपको क्या देगा, क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो ये जब P1 हो जाता है, P1 क्या हो जाएगा, P0 माइनस एक्वस टेंशन, ये क्या हो गया, आपका प्रेशर निकल गया एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, एक्वस टेंशन क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या देता है, वॉल्यूम देता है, टेम्परेचर दे देगा, इसको T1 मान लेते हैं, T1 केल्विन मान लेते हैं, ठीक है। आपको क्या देगा, वॉल्यूम भी आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम वहाँ पर क्या दिया रहेगा, VML दिया रहेगा, ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, ठीक है। अब STP कंडीशन लेते हैं, तो STP कंडीशन में प्रेशर कितना हो जाता है, 760 mm ऑफ Hg हो जाता है, ये हमें पता है, ठीक है। टेम्परेचर कितना हो जाता है, T2 कितना हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाता है STP पे, ये क्या निकाल रहे हैं, STP पे निकाल रहे हैं, और यहाँ पर क्या होता है, V2 निकालना होता है। तो ये जो V2 है, सबसे पहले ड्यूमास मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, ये V2 फाइंड आउट करना पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये इस V2 को अपन को फाइंड आउट करना रहता है। तो इस V2 को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैस इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, गैस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो गैस इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, P1V1 upon T1 is equal to P2V2 upon T2, ठीक है। ये क्या हो जाता है, P1V1 upon T1 is equal to P2V2 by T2 हो जाता है। यहाँ से अपन क्या करते हैं, V2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पर से हमने क्या करा, V2 को फाइंड आउट कर लिया। V2 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सीधा इसमें बैठा देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, P-A, ठीक है, ये हो गया। वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया, VML लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है, T2 पर आ जाएगा, यानी 273 आ जाएगा, क्लियर है। और ये क्या हो जाता है, यहाँ पर 760, यानी ये जो P2 का वैल्यू है, ये P2 का वैल्यू नीचे आ जाएगा, यानी 760 आ जाता है। और यहाँ क्या हो जाता है, T1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका V2 होता है। आपको क्या करना होता है कि V2 पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, यानी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP, ठीक है। वहाँ पर अगर आपने वॉल्यूम निकाल लिया एट STP पे, तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर इसे क्या करते हैं, फर्दर इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे एट STP, ठीक है। सारा कंडीशन दिया रहेगा, केवल आपको यहाँ पर से इस क्वेश्चन को
इस प्रेशर को समझना होगा। ये क्या हो गया, प्रेशर है और वहाँ पर क्या हो गया, एक्वस टेंशन दिया रहता है, दोनों को माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, यानी पी वन जो है ये क्या है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, ड्राई गैस, ड्राई नाइट्रोजन बोल दो या नाइट्रोजन गैस बोल दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ए क्या है यहाँ पर, एक्वस टेंशन है, और पी नॉट क्या है, ये जो वेट गैस होता है उसका प्रेशर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर से ये क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले V2 फाइंड कर लेना है। जब आप V2 फाइंड कर लेते हो, ठीक है, जब आप V2 फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है, तो अगर आपने मान लो कि V2 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, V2 को आपको पता होना चाहिए क्या कंडीशन है, ठीक है। आपको एक बात पता होना चाहिए, यहाँ पर 2400 यानी एक मोल, इतना ml अगर आप लेते हो, ml ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP लेते हो, तो इसका वेट कितना हो जाता है, 28 ग्राम्स हो जाता है। क्या हो जाता है, 28 ग्राम्स होता है। और अगर V2 हमने जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला हुआ था STP पे V2, अगर वो उतना वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP आप लेते हो, तो ये कितना हो जाएगा, यूनिटी मेथड यहाँ पर अगेन यूज़ करते हैं, यानी 28 अपॉन 2400 इंटू V2, इतना ग्राम्स निकल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर आपको यहाँ पर निकालना है, तो क्या करोगे, सिंपली इसको 100 से डिवाइड करके और वेट ऑफ कंपाउंड से डिवाइड कर दोगे, इसे क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन, 28 अपॉन 2400 इंटू V2, इसे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वेट ऑफ कंपाउंड है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन जब बन के आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन बन के, यानी 28 × V2 × 100 अपॉन 2400 इंटू वेट ऑफ कंपाउंड, क्लियर। तो ये क्या हो जाता है, यहां से आपका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकल आएगा। तो ड्यूमास मेथड का क्या है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला को अगर आपने याद रख लिया तो सिंपल है। ऐसे क्या करना है आपको, यार वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना एसटीपी पे, वहां से आपका निकल जाएगा, क्लियर है। ये सिंपल सा था, ड्यूमास मेथड भी समझ में आ गया। इसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, जो नोन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं उसको कॉपर ऑक्साइड पे पास कराते हैं। जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो हाइड्रोजन होता है वो वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, स्टीम में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, N2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है। कुछ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, और कुछ बनते हैं नाइट्रोजन के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन रिलीज होता है उसी को क्या करते हैं, अपन कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब कलेक्ट कर लेते हो तो उसका क्या हो जाता है, दो कंडीशन आता है, एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होता है, एक एसटीपी कंडीशन होता है। तो अपन क्या करते हैं, उसी नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो नाइट्रोजन कैलकुलेट होता है, ठीक है, जो नाइट्रोजन को हमने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसी को, उसी का क्या करते हैं, एसटीपी पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जब एसटीपी पे वॉल्यूम निकाल लोगे तो वहाँ से आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इजिली कैलकुलेट कर सकते हो यूनिटी मेथड यूज़ करके, ठीक है। तो यही ड्यूमास मेथड है, यही जेल्डहाउस मेथड है, क्लियर है, दोनों ही समझा दिया मैंने। अब देखो दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले अपन V2 निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला क्या होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, जो ड्यूमास मेथड जब भी आपको मिले तो आप क्या करोगे, वहां से V2 फाइंड आउट कर लोगे। तो V2 के लिए क्या फॉर्मूला था आपको पता ही होना चाहिए, यहां पर से आप P1 लोगे, और P1 क्या था, प्रेशर जो 1 था वो क्या था, प्रेशर P0 माइनस एक्वस टेंशन, दोनों ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, इनटू, क्लियर है। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इनटू करेंगे अपन, यानी वॉल्यूम लेंगे, V1 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये T2 इधर आ जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा आपका, T1 आ जाएगा इनटू V1 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसी पे क्या करते हैं, बैठाते हैं सारे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यानी P0 प्रेशर कितना दिया हुआ आपका, 715 mm दिया हुआ, 715 mm दिया हुआ। एक्वस टेंशन कितना दिया हुआ, 15 mm ऑफ Hg दिया हुआ, ठीक है, 15 mm ऑफ Hg दिया हुआ, यानी 15 से यहाँ पर माइनस कर देंगे इसे, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ, V1 कितना दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपका, 55 mm दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 55 mm दिया हुआ, ठीक है। टेम्परेचर T2, यानी ये एसटीपी कंडीशन पे, यानी 273 आ जाएगा। अपॉन करेंगे T1 कितना था, T1 300 केल्विन है, V2 तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये कुछ गड़बड़ हो गया, V2 तो अपन को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर V2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, V2 तो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये 300 से डिवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा,
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पी टू हो जाएगा, पी टू आ जाएगा आपका इंटू पी टू, यानी ये पी टू क्या था आपका, ये प्रेशर एट एस टी पी है, तो प्रेशर एट एस टी पी कितना होता है 760 ऑफ एम एम ऑफ एच जी हो जाता है, ठीक है। तो जब इसे फर्दर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका, आई थिंक ये 700 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, ये 273 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 300 इंटू 760 करेंगे, तो यहाँ पर से ये देखो ये आपका ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये भी 3 है और ये 3 है, यानी यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 91 आ जाएगा। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे सारा चीज़ सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 16.4285 के राउंड आएगा, इतना परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। यहाँ से हमने क्या निकाला, ये V2 निकाला, सॉरी यहाँ पर से एक गड़बड़ हो गया, जैसे एक्चुअली हमने ये क्या निकाला, इसको V2 निकाला, ठीक है। ये क्या हो गया अपन का, यहाँ पर जो सॉल्व किया ये कितना आ गया, 46 ml आ गया V2, ठीक है। यहाँ पर V2 अपन को फाइंड आउट हो गया, तो V2 का वैल्यू कितना आ गया, 46 ml हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे केवल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लगा देंगे उस फॉर्मूला में, यानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या था, 28 इंटू V2 इंटू 100 अपॉन 22400 इंटू वेट। तो इसे क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, वैल्यू को पुट करने पे क्या हो जाएगा, 28 इंटू 46, V2 का वैल्यू कितना था, 46 आ गया था, इंटू 100 अपॉन 22400 इंटू वेट कितना दिया हुआ था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, 0.35 ग्राम्स, ठीक है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये आपका यहाँ से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी ये कितना आ जाएगा आपका, 16.48%, यानी 42% हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना निकल के आ गया आपका, 16.425, यानी ये क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ड्यूमास मेथड और आपका जेलडाल्स मेथड मैंने यहाँ समझा दिया, डेरिवेशन भी कर दिया, ठीक है। अगर आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए ले लूँगा, जिसमें कि आपको ड्यूमास मेथड और जेलडाल्स मेथड अच्छे से और अच्छे से समझा दूंगा मैं, पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्या हो गया, ये आपका ड्यूमास मेथड का है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना, यानी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक करेगा, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, इसके पास क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो ये कहाँ पर करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे, ठीक है। तो इस रिंग में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कराना है, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से विड्रॉ कर लेगा, यानी वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, वहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पर से ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये क्या करेगा, इसे कम रिएक्टिव कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, रिएक्टिव को ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये क्या करेगा, रिएक्टिवनेस को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या होगा, ये रिएक्टिव लिस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कुछ जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, एनी सब्स्टिट्यूएंट इन द कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ पर से इसको डिफाइन करते हैं, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एनी सब्स्टिट्यूएंट इन द कार्बोनिल कंपाउंड दैट इंक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कंपाउंड पे इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, विल इंक्रीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए जो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किस चीज़ को, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड, यानी ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या होता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा,
जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर से इजिली हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल क्या था आपका, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजिली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया, यानी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है। गिवन आर साइक्लोहेक्सोनॉल, यानी फर्स्ट कंपाउंड क्या दिया हुआ, साइक्लोहेक्सोनॉल है। सेकंड कंपाउंड क्या, एसिटिक एसिड दिया हुआ है 2,4। थर्ड जो कंपाउंड है वो क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। एंड जो फोर्थ कंपाउंड है वो कौन सा है, फिनॉल कंपाउंड है। इन दिस ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, यहाँ पर क्या बताना है, डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर बनाना। ठीक है, तो पहला कंपाउंड बना लेते हैं अपना, चलिए रिंग के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सोनॉल हो गया, ये आपका फर्स्ट कंपाउंड बन गया। सेकंड में क्या, एसिटिक एसिड है CH3COH, ये आपका सेकंड कंपाउंड हो गया। उसके बाद क्या है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल 2,4,6। ठीक है, ये रहा आपका OH और ये क्या हो गया, ट्राइनाइट्रोफिनॉल 2,4,6 पे है ना, तो यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, एक फोर्थ पोजिशन पर आएगा नाइट्रो ग्रुप और एक सिक्स पोजिशन पर आएगा। ठीक है, और थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिनॉल, ये क्या है, ये थर्ड कंपाउंड है आपका। ठीक है, और फोर्थ में क्या है, फिनॉल है। ठीक है, अब मेरे को आप बताओ, आपको ऑलरेडी पता था, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन सा हो जाता है, यहां पर एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, यहां पर यह क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या हो जाएगा, सबसे आपको पता है क्या पता है, वो जो आपको मैंने क्या बताया हुआ था, सल्फोनिक एसिड SO3H सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, कार्बोनिक एसिड होता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। उसके बाद क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उसके बाद क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3 होता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। उसके बाद क्या हो जाएंगे आपके, फेनॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, फेनॉल्स हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, अल्कोहल्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अब मेरे को आप एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, एसिटिक एसिड का होगा, ये तो क्लियर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर किसका होना चाहिए, सबसे ज़्यादा एसिटिक एसिड का होना चाहिए, यानी सेकंड का होना चाहिए। क्लियर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर, ये ग्रुप लगा हुआ है, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंड का हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में देखते हैं। अब ये तो सिंपल सा अल्कोहल है, फर्स्ट क्या हो गया, साइक्लोहेक्सोनॉल है। ठीक है, अल्कोहल है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ जो आपका है, ये फोर्थ नंबर है, ये दोनों क्या है, ये फेनोलिक स्ट्रक्चर है, ये दोनों क्या है, फेनोलिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो गया, ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल हो गया, जो थर्ड आपका है सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल हो गया। ठीक है, तो थर्ड जब सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल है, ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, तो ये क्या करेंगे, इसकी एसिडिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेकंड में क्या हो जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों फेनॉल्स में सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल जो है माइनस आई इफेक्ट वाला, वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उसका एज कम्पेयर टू सिंपल फेनॉल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा आपका, और ये अल्कोहल क्या हो जाएगा, सबसे लिस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ होगा इसका। यानी ऑर्डर क्या बन गया, 2,3,4,1, 2,3,4,1, यानी डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है, 2,3,4,1, ये ऑर्डर आपका हो गया। तो यहाँ पर से देखो यार, ये जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो सीरीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप कहीं से भी कंपेयर करके उसमें आपको क्या देखना है, उसके बाद आप देखना है कि अगर सब्स्टिट्यूटेड है कि नहीं, अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है या माइनस आई इफेक्ट कर रहा है। अगर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो वो क्या करेंगे, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, और अगर माइनस आई इफेक्ट है, दैट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह करके आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो। बस आपको क्या याद रखना है, ये जो आपको ट्रिक बताया हुआ है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसे आप याद रखो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही था। हमने क्या करा, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट था उसे अपने क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी इशू है, तो आप मेरे को शेयर करो। ठीक है, अगर आपको जिल्डाल्स मेथड या डुमास मेथड का अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाना है, तो आप मेरे को बताओ, मैं उसका एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, स्पेशली उसमें क्या होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे डुमास मेथड और जिल्डाल्स मेथड, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस करा था।
और यार सपोर्ट करो, ठीक है? आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतनी अपन और ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, ठीक है? आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है हमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो। उससे क्या होगा, जो भी आप वीडियो अपलोड होगा, जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतनी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।